डैड, टेल मी दैट क्रिकेट स्टोरी फ्रॉम सेंचुरियन प्लीज। बताता हूँ आदा, पर इस स्टोरी से पहले ना तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हमारे हाथ की पांचों फिंगर्स एक जैसी नहीं होती तो इंसानों से ऐसी उम्मीद करना ना बिल्कुल बेकार है। ओके डैड, कैन वी गो ऑन विद द स्टोरी प्लीज। ऑल्सो यू मस्ट नो कि हेंजी क्रोनियो को साउथ अफ्रीकन क्रिकेट का ही नहीं साउथ अफ्रीका का एम्बेसडर माना जाता था। Understood, Dad. Can we please start with the story? So here you go, Anna. Yes, बात है सन 2000 की साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के सेंचुरियन के टेस्ट मैच की। फर्स्ट डे तो साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेला, मैच वॉज इवनली पॉइज्ड, पर फिर क्या था, अगले तीन दिन सिर्फ बारिश। तीन दिन तक बारिश होती रही और उसका मतलब इन क्रिकेट भाई बोरिंग ड्रॉ। लास्ट डे धूप तो बहुत अच्छे से खिली पर खेल में जान फूंकने के लिए समय ही नहीं बचा था। लास्ट डे का खेल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया, थोड़ी स्टैट पैडिंग, थोड़ा टाइम पास। दैट्स व्हाई कभी कभी ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट ना अपना ही दुश्मन है। एंड देन समथिंग एस्टॉनिशिंग हैपेंड। साउथ अफ्रीका ने इनिंग्स कर दी डिक्लेयर, इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग्स कर दी 4 फीट, साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी कर दी 4 फीट और इंग्लैंड के सामने रखा एक चैलेंजिंग पर अचीवेबल टारगेट ऑफ 249 रन इन 76 ओवर्स। व्हाट अ करेजियस कॉल, एवरीवन सेड। भाई ऑलमोस्ट अप्लॉडेड हेंजी क्रोनियो कि एक डेड मैच में जान फूंक दिया जनाब ने, अब आएगा मजा क्योंकि अब रिजल्ट आएगा जीत या हार का। सही है, इंग्लैंड ने अग्रेसिव बैटिंग की, साउथ अफ्रीका ने दिल जान लगा के मैच जीतने की कोशिश की, 8 विकेट्स भी लिए पर एंड में जीत इंग्लैंड की हुई। इंग्लैंड सेलिब्रेट तो कर रहा है पर जीत इंग्लैंड की कहां है ना, क्योंकि ये जीत तो क्रिकेट की है। दोनों ही टीम्स ने मिलकर वो किया जो आज तक कभी नहीं हुआ था, किसी ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो सवाल उठते हैं, इस बार भी उठे, खूब उठे। और जब इन सवालों से पर्दा हटा तो पता चला कि हार साउथ अफ्रीका की नहीं क्रिकेट की हुई थी। Why dad, South Africa to try to win, right? क्योंकि ये मैच फिक्स था बेटा, मैच फिक्सिंग, yes, मैच फिक्सिंग। This story started in Johannesburg, जहां मार्लन नाम का एक बुकमेकर was following this game. उसने सोचा कि अगर मैच में ड्रॉ के अलावा कुछ भी और रिजल्ट आया तो बैटिंग वर्ल्ड विल एक्सप्लोड एंड आई विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। फोन उठाया, हेंजी का नंबर क्रिकेट बोर्ड से लिया और कर दिया हेंजी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट कैप्टन को फोन। हेंजी को बताया कि मैं क्रिकेट एंथुजियास्ट हूं और अगर इस मैच में रिजल्ट आ जाए ड्रॉ के अलावा, किसी की भी जीत किसी की भी हार, तो बहुत बड़ी डोनेशन करूंगा मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट में। इज दैट पॉसिबल? टू हिज अटर डिसबिलीफ हेंजी ने कहा, आ जाओ मुझसे मिलो फिर बात करते हैं। अगले ही पल मार्लन वॉज इन सेंचुरियन इन हेंजी क्रोनियोज रूम। हेंजी ने कहा कि मुमकिन है अगर इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन मान जाए तो, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई। ऑन द 5th डे मॉर्निंग हेंजी ने नासिर से डिस्कस किया और एक स्कोर की ऑफर दी, 315 रन इन 75 ओवर्स, क्या बोलते हो? नासिर ने कहा, जाने दो नाना। हेंजी ने फौरन ही टारगेट को लो किया, एक बार नहीं दो बार किया। अब नासिर को लगा कि जीत मुमकिन है, सो व्हाई नॉट, लेट्स गो फॉर इट। हालांकि नासिर वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड कि हेंजी ने इतनी जल्दी टारगेट को इतना लो क्यों सेट कर दिया है, बट देन दिस वाज इन द टाइम टू थिंक, दिस वाज द टाइम टू एक्ट, चलो लेट्स डू इट। और इंग्लैंड ने किया भी, मैच जीता। मैच के बाद मार्लन ने हेंजी को एक बैग दिया जिसमें एक लेदर जैकेट और 50,000 साउथ अफ्रीकन रैंड्स थे। ये हेंजी का एग्जाम था, विल ही एक्सेप्ट इट और विल ही रिफ्यूज। उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ हेंजी क्रोनियो और उन्हीं के साथ इंटेग्रिटी ऑफ क्रिकेट एट दैट पॉइंट इन टाइम।